फैशन आज की लाइफ में उतना ही जरूरी है जितना आपकी कम्युनिकेशन का ढंग और जितना आपको अपनी बाकी चीजों पर फोकस करना है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, तो भाई बात यहाँ जैसे हो वैसे ही ठीक रहने की नहीं है। बात है कि जब आप कहीं जाओ, किसी मीटिंग पर, किसी इंटरव्यू में, ऑफिस में, पार्टी में, तो कम से कम आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी हो कि लोग आपको देखकर आपके जैसे पहनने का ट्राई करें, आपसे जान सकें कि उन पर क्या सूट करेगा क्या नहीं। इससे होता यह है कि एक तो हम अच्छे दिखते हैं, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यानी जहां एक एवरेज दिखने वाला लुक आपको ऐसा फील करवा रहा होगा कि मैं कहीं आउट तो नहीं लग रहा लोगों में, वहीं जिस दिन आपने सिर्फ अपनी बियर्ड सेट करवाई हो, जिस दिन आपने कोई न्यू ड्रेस पहनी हो, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस अलग रहता है। तो बात किसी को दिखाने की नहीं है, बात है आपकी खुद की पर्सनैलिटी की। क्योंकि यार एटलीस्ट जो हमारे हाथों में है हम कम से कम उसे तो सुधार ही सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है किसी को दिखाया ही जाए, हम अपने लिए भी तो बेहतरीन कपड़े चूज कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये भी एक तरह की स्किल है जैसे बाकी सब स्किल होती है। क्योंकि कोई भी फैशन सेंस लेकर तो पैदा होता नहीं, किसी को भी नहीं पता होता कि हम पर क्या सूट करेगा क्या नहीं, ये सब कुछ हम कर करके ही सीखते हैं। तो पहले आपको अपने आप को ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, आपको खास अटेंशन देनी चाहिए लोगों पर, उनके हाव भाव पर। आप चाहे किसी सीरियल पर ध्यान दो, चाहे आप फैशन इन्फ्लुएंसर्स को देखो, यहाँ पर जो फैशन सेंस है वो भी मतलब कहीं ना कहीं बाहर से लिया हुआ है। पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में नहीं मिलती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो ले नहीं सकते। आपको सबसे पहले ऑब्जर्वर बनना होगा, आपको देखना होगा कि कलर्स के मिक्सअप क्या हैं, कौन से शूज पर कौन सी ड्रेस पहनी गई है, किन कपड़ों पर कौन सा डिजाइन बना है, उसमें कौन कौन से कलर्स हैं। यानी पहले आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आप देखोगे कि आपके माइंड में भी अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं कि मैं कौन से कपड़े कैसे पहन सकता हूं या पहन सकती हूं। इसके बाद है जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा, कुछ वैसा आप ट्राई करो पहनने की। यानी सेम मिलना मुश्किल होता है, पर कलर्स और डिजाइन पता चल जाते हैं। इससे आपको अपने पहले के कपड़ों से थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिलेगा। इसके बाद अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको सब ट्राई करना होगा, मतलब एक दो बार अलग अलग ड्रेस पहनकर ट्राई करो। जैसे आप हमेशा से ही बिल्कुल फिटिंग के कपड़े पहनते आए हो तो थोड़ा कुछ लूज ट्राई करो, और अगर आप लूज पहनते आए हो तो थोड़ा सा फिटिंग के कपड़े ट्राई करो। शर्ट ट्राउजर के अंदर करके पहननी है या बाहर करके पहननी है, जींस और ट्राउजर ऐसे कलर्स में लो जो आपने पहले ट्राई नहीं किए। और हमेशा कोशिश ये करो कि या तो ऊपर डार्क और नीचे लाइट कलर पहनो, और या फिर ट्राउजर डार्क है तो शर्ट या टी शर्ट लाइट हो तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही शूज और सैंडल पर ज्यादा ध्यान दो। वैसे तो व्हाइट और ब्लैक स्नीकर सब पर ही जचते हैं, पर आप कोशिश करो कुछ डिफरेंट कलर भी लेने की जिसे आप अलग अलग कपड़ों के साथ पहन सको। और लड़कियों के लिए तो वैसे भी ढेरों ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको भी जरा सा हट कर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद है हर चीज किसी खास ओकेशन के लिए मत लो। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि ये तो उस पार्टी के लिए है या ये उस जगह के लिए है, तो कुछ ऐसा लो जिसे आप कभी भी वेयर कर सकते हो और वो क्लासी लगे, यानी आप पर सूट करे। जब आप अपने आप को नई नई ड्रेसेस चूज करवाओगे तो कहीं ना कहीं आपका फैशन सेंस और डेवलप होगा, और आप खुद भी समझ पाओगे कि मेरे लिए कौन सी ड्रेसेस हैं, कौन सा कलर और कपड़े मुझ पर ज्यादा सूट करते हैं। इसके बाद है किसी ड्रेस को कैसे पहनना है, कई बार हमें नहीं मालूम होता। जैसे जैकेट के अंदर कौन सी टी शर्ट पहननी है और शर्ट पहननी है, तो अगर वो हाफ बाजू की है और आप ऐसे ही किसी से मिलने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो कोशिश करो कि वो जींस और ट्राउजर के बाहर हो, ऐसे ज्यादा अच्छी लगेगी और आप कंफर्टेबल फील करोगे। और इसके साथ ही आप इन्फ्लुएंसर्स को देख सकते हैं कि उन्होंने कोई टी शर्ट वगैरह कैसे वियर किया है, यानी यहाँ से आपको कोई आइडिया मिल जाता है। और दोस्तों इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी चीज नहीं है, देखा करो कि बाहर के लोग कैसे फोटोशूट करवाते हैं, बैग लिया हुआ है तो वो किस कलर का है, बालों को कैसे सेट करवाना है, स्माइल करनी है, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से फिटिंग और थोड़े लूज कपड़ों में से चूज करना है कि आप पर कैसी ड्रेस सूट कर रही है। और ये जरूरी नहीं है कि आप किसी ब्रांड का ही सामान खरीदो, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, बस वो ऐसा होना चाहिए कि आप पर लगे कि हाँ यार जच रही है, मतलब बातचीत आनी चाहिए। क्योंकि ड्रेस का सिंपल फंडा है कि आप अच्छे दिखो, बस आप पर सूट कर रही है तो फिर ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ से ली गई है, बाकी आप जहाँ से भी लो वो आप पर डिपेंड करता है। और अलग अलग ड्रेस में कहीं घूमने जाओ तो थोड़ा फोटोशूट वगैरह करवाओ, इससे आप जब भी फ्री टाइम में कभी अपनी फोटोज देखते हो या फोटोज अपलोड करते हो तो आपको अपने रिएक्शन से और लोगों के रिएक्शन से ये भी देखने को मिल सकता है कि किस ड्रेस में आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। अब देखो यार एकदम से तो नहीं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद आप धीरे धीरे अपना फैशन सेंस डेवलप कर सकते हो। आप देखोगे कि आपकी पसंद धीरे धीरे काफी यूनिक बनती जा रही है, आप दूसरों को सजेशन देने लगोगे कि उन पर क्या सूट करेगा, लोग आपके पसंद की ड्रेस पहनकर वाकई आपकी पसंद को पसंद करेंगे, मतलब धीरे धीरे आपकी बाहरी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत बनने लगेगी अगर आप इन सभी बातों को अप्लाई करते हो।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपके फैशन को नया करने में आपकी मदद करेगी, धीरे धीरे आपकी फैशन सेंस को डेवलप करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।